स्टूडेंट्स, आज हम फाइलम एकिनोडर्मेटा को स्टार्ट करने लगे हैं। इसका एक लेक्चर पहले ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। आज दूसरा लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एकिनोडर्मेटा। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू, ये तीनों हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया गया है, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछी जा सकते हैं या फिर वो एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको ये जनरल करेक्टरिस्टिक समझ आएंगे तो अगेन आपको देन इसकी जो क्लासेज हैं वो समझ आएंगी, अदरवाइज इस चैप्टर को समझना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्पीशीज की। अगर हम नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करें तो वो कहता है कि 7000 नंबर ऑफ स्पीशीज है। याद रखिए कि एक्सक्लूसिवली मैरीन है, मतलब ये समंदर में रहते हैं, और जितने भी ओशन हैं ये उनमें, और जितने भी ओशन की जितने भी डेप्थ है, मतलब हर जो डेप्थ है उसके अंदर ये पाए जाते हैं, मतलब सरफेस पर भी होंगे, मिड पर भी होंगे, बॉटम पर भी होंगे। तो इसलिए उसने कहा है कि 7000 एक्सक्लूसिवली मैरीन फाउंड इन ऑल डेप्थ ऑफ ऑल ओशंस। नेक्स्ट वर्ड्स वो कहता है अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करें तो इनके अंदर रेडियल सिमेट्री है। कौन सी सिमेट्री है? रेडियल। अच्छा, सिमेट्री क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी, इसको हम सिमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स वो कहता है कि इनके अंदर कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, तो कॉमनली इनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन जो मॉडर्न एकिनोडर्म्स हैं उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये याद रखना है कि ये जितने भी एकिनोडर्म्स हैं उनके अंदर नहीं, सम जो कि मॉडर्न एकिनोडर्म्स हैं उनके अंदर जो बाइलेटरल सिमेट्री है वो एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट वर्ड्स हम बात करते हैं ओसिकल की। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। स्केलेटन ऑफ एकिनोडर्म कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स कॉल्ड ओसिकल्स। यहाँ पर ये मैं हाईलाइट करने लगा हूं एमसीक्यू, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अच्छा, ये जो ओसिकल्स हैं इनकी ओरिजिन क्या है? अच्छा, ओरिजिन का मतलब क्या है कि अगर हम डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करें तो एक जो ऑर्गेनिज्म है जायगोट जैसे ही बनता है, तो उसके बाद जब क्लीवेज स्टार्ट होती है तो तीन लेयर्स बनती हैं जिनसे बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो डिराइव होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, उसके जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम मीजोडर्म कहते हैं, और उसके अंदर वाली जो होती है उसको हम एंडोडर्म कहते हैं। जो यहाँ पर देखिए ये जो सेंट्रल है यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के जो दरमियान है उससे हम क्या कहते हैं? मीजोडर्म। तो ये जो मीजोडर्म है इससे कौन सी चीज डिराइव हुई है? ओसिकल्स। ओसिकल्स ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ये कहां से डिराइव, कहां से होती है और ये ओसिकल्स होती क्या है। तो रीजन ऑफ ओसिकल में डिराइव फ्रॉम द मीजोडर्म, यहां तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया। प्लेट्स आर फिक्स इन देयर प्लेस बाय कनेक्टिव टिश्यू, कहता है कि ये जो ओसिकल्स होते हैं ये बॉडी के अंदर फिक्स कैसे होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ये एक ओसिकल है, ये दूसरी ओसिकल है, ये तीसरी ओसिकल है, ये चौथी ओसिकल है, तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कैसे होती हैं? उसने कहा है कि भाई इनके दरमियान इस तरीके से कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यूज की वजह से ये जो ओसिकल्स होती हैं ये अपनी जगह पर फिक्स रहती हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। स्टूडेंट्स, वो कहता है कि इफ एपिडर्मल लेयर्स रिमूव्ड स्केलेटन में एक्सपोज फ्रॉम सम बॉडी रीजंस। अब इसको आपने देखना है कैसे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमने कहा कि ये ओसिकल्स हैं और ओसिकल्स डेफिनेटली जो हैं ये मिलकर क्या बनाती हैं? स्केलेटन बनाती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ये देख लीजिए कि दरमियान में ये बनाने लगा हूँ कनेक्टिव टिश्यूज़, ये ऑलरेडी अभी मैंने आप लोगों को बताया है। अच्छा, ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, और कनेक्टिव टिश्यूज़ तो इनके दरमियान में मौजूद हैं, लेकिन इनके ऊपर इस तरीके से ये देखें एपिडर्मस मौजूद है। ये एपिडर्मस इन ओसिकल्स के साथ कनेक्टेड होती है, जिससे क्या होती है कि ये ओसिकल्स को सपोर्ट कर रही होती है। अब इसीलिए उसने कहा है कि इफ एपिडर्मल इज रिमूव स्केलेटन मे एक्सपोज फ्रॉम द सम बॉडी रीजन, कि अगर हम क्या करें इसको रिमूव कर दें। देखिए फॉर एग्जांपल हमने ये एपिडर्मस को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, यहां से ये इसको रिमूव कर दिया। जैसे हमने इसको रिमूव किया तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये देखें ये जो ऑसिकल्स हैं ये स्केलेटन के पार्ट हैं और ये देखें ये एक्सपोज हो गए, ये हमें ऊपर से नजर आना स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए उसने ये बात किया। नेक्स्ट स्टूडेंट है वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और इसमें एमसीक्यूज भी बनते हैं।
तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या है या वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस चीज के ऊपर कंजिस्ट करता है, तो इसलिए उसने कहा है कि सीरीज ऑफ वाटर फिल्ड कैनाल्स, यानी कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम्स इन एकिनोडर्म इज अ सिस्टम विच कंजिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ वाटर फिल्ड कैनाल्स। ये डेफिनेशन है इसकी। आगे ये जो वाटर फिल्ड कैनाल्स हैं इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, ये भी इसी शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है। तो वो कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं, तो नंबर वन कहता है सीरीज ऑफ वाटर फिल्ड कैनाल और इसमें कौन सी टाइप्स हैं कैनाल की। नंबर वन हमारे पास है रिंग कैनाल। अब इसको आपने देखना है, यहां पर मैं डायग्रामेटिकली आप लोगों को बताने लगा हूं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। देखिए स्टूडेंट होता ऐसे है, सबसे पहले हमारे पास जो है वो कौन सी है, रिंग कैनाल। तो रिंग कैनाल कौन सी है, ये बॉडी का सेंट्रल पार्ट जो है वो एक रिंग के ऊपर कंसिस्ट करता है और इसको हम कहते हैं रिंग कैनाल। अच्छा, ये जो रिंग कैनाल है इससे कुछ एक्सटेंशन निकलते हैं, जैसे ये निकल रही है, एक दो तीन चार और ये पांच, ये फाइव आर्म्स निकलती हैं। तो जो हर सी स्टार का एक आर्म होता है, इसके अंदर कुछ ट्यूब्स होती हैं जिनको हम कहते हैं रेडियल कैनाल्स। इट मीन यहां पर मैं लेबल करने लगा हूं कि ये हमारे पास जो है सेंटर वाली, ये कौन सी, हमारे पास रिंग कैनाल है, रिंग कैनाल। ये वाली हमारे पास जो है जो कि रिंग कैनाल से निकल रही है, इसको हम कहते हैं रेडियल कैनाल। अच्छा, ये जो रेडियल कैनाल है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये मेरे पास यहां से लेकर यहां तक, इसको मैं यहां पर ड्रा कर लेता हूं। ये देखिए, ये हमारे पास एक रेडियल कैनाल है, फॉर एग्जाम्पल ये एक रेडियल कैनाल है। तो इस रेडियल कैनाल के साथ कुछ छोटी छोटी साइडों पर और कैनाल्स होती हैं, ऐसे देखिए ये कैनाल्स, इनको हम कहते हैं लेटरल कैनाल्स। ये वाली, ये जो छोटे छोटे पीसेज हैं इनको हम क्या कहते हैं, लेटरल कैनाल। तो इसको मैं लेबल कर रहा हूं कि ये वाली कौन सी हमारे पास, रेडियल कैनाल। और इसके साथ ये जो लेटरल साइड पर यानी कि दोनों साइडों से मौजूद है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं लेटरल कैनाल, लेटरल कैनाल। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखें, तीन किस्म की कैनाल्स हमने डिस्कस कर ली, और ये तीनों किस्म की जो कैनाल्स हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि एमसीक्यूज में और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तीन टर्म्स अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूं। नंबर वन हमारे पास है स्टोन कैनाल्स। कौन सी है, ये वाली स्टोन कैनाल्स। ओपनिंग ऑफ द रिंग कैनाल इज कॉल्ड स्टोन कैनाल। अच्छा, ये आपने याद रखना है। अब मैं यहां पर डायग्राम के जरिए से आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप इजीली इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर सकें। यहां पर देखिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये मेरे पास है जी रिंग कैनाल। ये रिंग कैनाल है, एक तो इसके एक्सटेंशन हैं जिनको हम रेडियल कैनाल का नाम दिया, लेकिन एक इसकी एक एक्सक्लूसिव और ओपनिंग है जो कि रेडियल कैनाल के अलावा है, इसको हम कह रहे हैं स्टोन कैनाल। यहां पर देखिए, ये इसकी अपनी, अगर ये रिंग कैनाल इस तरीके से रिंग लाइक है, ये देखिए कैनाल है, तो डेफिनेटली ये इसमें इस तरह से होगी, इस तरीके से। अच्छा, इसमें से क्या होती है, एक ओपनिंग और निकल रही होती है जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ इस किससे निकलती है, इस रिंग कैनाल से। ये रिंग कैनाल है और ये जो इससे निकल रही है इसको हम कह रहे हैं स्टोन कैनाल। उम्मीद करता हूं कि स्टोन कैनाल की समझ आ गई होगी कि एक्सक्लूसिव ओपनिंग ऑफ रिंग कैनाल इज कॉल्ड स्टोन कैनाल। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास जो दूसरी टर्म है ये है मैड्रीपोराइट। अच्छा, ये जो स्टोन कैनाल है एमसीक्यू भी है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट हमारे पास है मैड्रीपोराइट। ये मैड्रीपोराइट क्या है, वाटर इनलेट यूज टू रिप्लेस द वाटर लॉस फ्रॉम द वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम में पूरा यहां पर ड्रा करता हूं। देखिए, ये कौन सी है, रिंग कैनाल। इसके बाद यहां पर कौन सी है, ये वाली, ये हमारे पास हैं रेडियल कैनाल्स। रेडियल कैनाल्स के साथ जो कैनाल्स हैं जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, लेटरल कैनाल्स। ये पूरा ये चीज है सारी, यानी कि रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल, ये सारी मिलकर क्या बनाती है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इसमें से कुछ पानी लॉस हो जाता है, तो जो पानी इसमें से लॉस हो जाता है तो उस लॉस को पूरा करने के लिए एक ओपनिंग होती है जो जिससे वाटर इनलेट होता है पूरे बॉडी में, जो कि वाटर लॉस हुआ ना वाटर वेस्कुलर सिस्टम से,
उस लाश को पूरा करने के लिए एक इनलेट होता है, और उस इनलेट को हम क्या कहते हैं, मैड्रिकुलाइट। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमारे पास रिंग कैनाल, ये वाली हमारे पास रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल के साथ ये वाली जो है, ये वाली हो गई कौन सी, लेटरल कैनाल। और लेटरल ये सारा वाटर वैस्कुलर सिस्टम का पार्ट है, लेकिन इनका वो इनलेट जिसमें से वाटर जो लॉस हुआ है रेडियल कैनाल से या कहीं से भी, उसको पूरा करने के लिए एक इनलेट होता है, जैसे ये इनलेट है जिसमें से वाटर एंटर हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, मैड्रिकुलाइट। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आ गई, अगर समझ आई है तो लाइक लाजमी करें। नेक्स्ट वन हमारे पास जो टर्म है उसे हम कहते हैं टाइडमैन बॉडीज। टाइडमैन बॉडीज ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, इंपॉर्टेंट चीज है। वो कहता है कि स्वेलिंग ऑफ रिंग कैनाल हैविंग अ फैगोसाइटिक फंक्शंस आर कॉल्ड टाइडमैन बॉडीज। अब इसको गौर से देखना। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देखिए, हम कहते हैं ये हमारे पास है रिंग कैनाल, ये जो रिंग कैनाल है ये इस तरीके से होती है, चूंकि कैनाल है तो डेफिनेटली इसमें से ये ट्यूब लाइक हो। ये देखिए ये जो रिंग कैनाल है इसके ऊपर कुछ स्वेलिंग्स होती हैं, कुछ उभार होते हैं। किस तरह के उभार होते हैं यहां पर मैं डायग्राम से समझाने लगा। ये देखिए ये छोटे छोटे उभार हैं, ये देखिए ये वाले जो छोटे छोटे उभार हैं जो कहां पर मौजूद हैं, ये मौजूद हैं जनाब रिंग कैनाल के ऊपर। इन छोटे छोटे उभारों को, इन स्वेलिंग्स को हम क्या कहते हैं, टाइडमैन बॉडीज। टाइडमैन बॉडीज, अच्छा जो टाइडमैन बॉडीज होती हैं इनके अंदर ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जो कि फैगोसाइटोसिस करते हैं, फैगोसाइटोसिस। अच्छा जो यहां पर फैगोसाइटोसिस है ये दो तरीके से हो सकती है, या तो जो बॉडी के डेड सेल्स होते हैं उनको फैगोसाइटोस किया जाए, खाया जाए, उनको वार्न आउट किया जाए, या फिर जो खुराक के जो फूड के सेल्स आते हैं उनकी ब्रेक डाउन की जाए। तो उस तरीके से हमारे पास ये जो टाइडमैन बॉडीज हैं ये दो किस्म की फैगोसाइटोसिस करते हैं, वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करना, प्लस जो फूड पार्टिकल्स आते हैं उनको अप टू सम एक्सटेंट ब्रेक डाउन करना ताकि इजीली उनकी डाइजेशन हो सके। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आ गई होगी, वीडियो को लाइक लाजमी करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हमारे पास ये कैनाल्स हैं, इन कैनाल्स को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, यानी कि रेडियल कैनाल्स, इसमें हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फाइव रेडियल कैनाल्स ब्रांच ऑफ फ्रॉम द रिंग कैनाल, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि रिंग कैनाल जो होती है उसमें से रेडियल कैनाल निकलती हैं। लेटरल कैनाल्स का हमें ऑलरेडी पता है कि जो रेडियल कैनाल होती हैं उनकी लेफ्ट और राइट जो ओपनिंग होती हैं वहां से कुछ कैनाल्स निकलती हैं जिनको हम लेटरल कैनाल्स कहते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द इंपॉर्टेंट, वो कौन सा है, ट्यूब फीट। ये आपने याद रखना, ये एमसीक्यू भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये ट्यूब फीट क्या होते हैं, तो इसको आपने अंडरस्टैंड करना। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम सबसे पहले एक रेडियल कैनाल बनाते हैं ताकि आप इजिली समझ सकें। हम कहते हैं कि ये हमारे पास है जी रेडियल कैनाल, ये रेडियल कैनाल है। ये जो रेडियल कैनाल है इसके इस तरीके से कुछ एक्सटेंशन होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, इनको हम कहते हैं लेटरल कैनाल। ये कौन सी चीज है, लेटरल कैनाल। ये जो लेटरल कैनाल हैं इनके साथ कुछ और स्ट्रक्चर होती हैं इस तरीके से, ये देखिए ये ऐसे, ये ऐसे। अच्छा ये वाले जो पार्ट हैं इनको हम कहते हैं ट्यूब फीड्स। ये हमारे पास क्या है, ट्यूब फीड्स हैं, ये ट्यूब फीड्स। अच्छा ये जो ट्यूब फीड्स हैं यहां पर मैं इसको लेबल करने लगा हूं, ये कौन सी है, रेडियल कैनाल, ये वाली कौन सी है, लेटरल कैनाल, और यहां से लेकर यहां तक ये वाली कौन सी हमारे पास, ट्यूब फीड्स। ये हमारे पास एक ट्यूब फीट है। अच्छा ये जो ट्यूब फीट है इसके दो पार्ट हैं, कौन कौन से, एक ये टॉप वाला पोर्शन है ये वाला, और दूसरा इसका ये वाला पोर्शन है यहां तक। तो ये जो इसका टॉप वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं एम्प्यूला, और ये इसको नीचे वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं पोडियम। अच्छा इस एम्प्यूला और पोडियम का कौन सा फंक्शन है, याद रख लीजिए। अब मैं यहां पर एम्प्यूला की अलग डायग्राम बनाने लगा हूं ताकि आपको समझ आ सके, यानी कि जो ये वाला पार्ट है इस, ये जो ट्यूब फीट है इसको मैं अलग से डायग्राम बनाने लगा हूं। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ये हमारे पास एक ट्यूब फीट है, ये ट्यूब फीट है, इसका ये वाला जो पार्ट है इसको तो हम कहते हैं एम्प्यूला, अभी हमने पढ़ा कि इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्यूला। अच्छा इसके अंदर एम्प्यूला के अंदर कुछ मसल होते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो यहां पर जो पानी होता है वो नीचे जाता है ऐसे, और जब ये रिलैक्स करते हैं तो इनमें से वाटर जो है वो
बाहर निकल आता है, यानी कि जो पोडियम है यहां से वाटर निकल जाता है। अच्छा, यही वाला जो यहां पर गौर कीजिए कि जब यहां से लेटरल कैनाल से पानी इसके अंदर आता है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये लेटरल कैनाल है, लेटरल कैनाल के साथ ये अटैच है ट्यूब फीड ट्यूब, तो यहां से एक कनेक्शन होता है, यहां पर एक वॉल्व मौजूद होता है। जैसे ही पानी यहां से इसके अंदर दाखिल हो जाता है तो यहां पर जो मौजूद वॉल्व है वो बंद हो जाता है और जो जो वाटर है वो बैक मूव नहीं कर सकता। तो वाटर किस में रहता है? ट्यूब फीड में। अब ट्यूब फीड में वाटर आ गया तो ये जो एम्पूला ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इस वजह से वाटर का जो प्रेशर है वो कहां पर जाएगा? नीचे। और जो नीचे है यहां पर मौजूद होता है एक सक्शन कप, सक्शन कप। अच्छा, वाटर के प्रेशर की वजह से जो सक्शन कप है वो जिस जगह पर मौजूद है वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और वैक्यूम की वजह से जो सक्शन कप है किसी भी सरफेस को सक कर लेता है और उसके साथ अटैच हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं हीमल सिस्टम की तरफ। अच्छा, हीमल सिस्टम क्या है? जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, जो वाटर कैनाल सिस्टम है इनके अंदर, उसके साथ साथ एक और सिस्टम रन करता है जिसको हम हीमल सिस्टम कहते हैं। ये जो हीमल सिस्टम है इसको बिलीव किया जाता है, एग्जैक्टली अभी तक किसी को पता नहीं चला, एक्सपेरिमेंटली ये चीज प्रूव नहीं है, जस्ट एज अ बिलीफ वो हमें बता रहे हैं कि जो हीमल सिस्टम होता है ये कंजिस्ट करता है स्ट्रैंड्स ऑफ टिश्यूज के ऊपर नियर द रिंग कैनाल एंड एक्सटेंड वेदर रेडियल कैनाल। इसका फंक्शन कौन सा है कि इट्स बिलीव दैट इट इज अ वेस्टिजियल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको बिलीव किया जाता है कि ये नॉन फंक्शनिंग यानी कि वेस्टिजियल सर्कुलेटरी सिस्टम है, और इसके और कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं जैसे कि, अच्छा ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज हीमल सिस्टम, तो उसमें ये चीजें जरूर लिखनी होगी जो हीमल सिस्टम के नीचे लिखी हुई है। शॉर्ट क्वेश्चन में इसको पूरा लिखना पड़ेगा आप लोगों को, यानी कि यहां से लेकर यहां तक इसको आपको लिखना पड़ेगा। वो कहते हैं इट इज believe that it is a vestigial circulatory system, but clearly its function is not known. यानी कि इसका जो clear function है वो अभी तक known नहीं है, लेकिन वो कहता है कि it may aid in, यानी कि help कर सकता है कुछ function में, जैसा कि large molecule की transportation में, hormones की body में transportation में, उसके बाद सिलोमोसाइट्स की ट्रांसपोर्टेशन में, जो कि ऐसे सेल्स होते हैं जो इनगल्फ करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं वेस्ट मटेरियल को, तो उनको हम क्या कहते हैं? सिलोमोसाइट्स। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।